तो आज हम लोग CNW के ट्रेन के लिए विजिट के लिए जा रहे हैं सीनियर स्टेशन। यहाँ हम लोग देखेंगे लाइव कि कैसे क्या चीज़ें होती है। ये हमारे सामने में हमारे CNW के इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं हमारे, और हम लोग चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सीबीसी सेंटर बफर कपलर है ना, ये दोनों आगे रहे दो वैगन को जोड़ने के लिए है। ऑटोमेटिक है, ये उसको टालो मत खुल जाएगा, ठीक है सर। ऑटोमेटिक है ये नकल, ये वाला नकल है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उधर हाँ, इतना स्पीड में इधर नहीं। उसके बाद सर एंगल को आप दिखाइए। एंगल देखो, बताते जा। अभी जब GDR चेक करेंगे हम लोग, या फिर इसको कपल करना है तो ये एंगल को, दिस इज एंगल को है ना, इंजन उस साइड है, ये एंगल को अभी ऑन में ओपन ओपन और इसको ऐसे उठा के ऐसे करेंगे तो क्लोज। अभी 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 नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते हैं, करेंगे क्यों, जब करेंगे इंजन लगा हुआ है तो वो सब क्यों करेंगे, बोला हम लोग छेड़छाड़ नहीं करना है हम लोग को, फिर कहीं लीकेज शुरू हो गया ना, बस गया काम। क्या रिस्क लेंगे, तुमको करा देंगे, मेरा मॉडल रूम में है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये सपोज अनकपल करना है, इंजन इस साइड है, फर्स्ट यू हैव टू क्लोज इंजन साइड एंगल को, ठीक है। उसके बाद उस साइड का भी एंगल को कर, और ये पाम एंड है, इसको ऐसा करके ओपन कर दे, दिस इज ऑपरेटिंग हैंडल, सीबीसी ऑपरेटिंग हैंडल, ऐसा करके फट से ऐसे करेंगे तो टगल लिफ्टर, लॉक लिफ्टर, लॉक को लिफ्ट कर देता हूँ, जैसे लिफ्ट कर देगा वो फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, पिन विन कुछ निकालने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करेंगे ना, ये फ्री हो गया। अब इंजन को बोलेंगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा तो दोनों अनकपल कर देंगे। लेकिन नकल रिप्लेसमेंट का टाइम है, ये तोड़ के नकल लेके ये पुराना वाला गिराएंगे ओल्ड वन को, फिर नया वाला वो उधर इंजन के सामने या ब्रेक वन के पीछे जो सामने पड़ता है। सर इसका कुछ लॉक नहीं है क्या? हां इसका कुछ लॉक नहीं, कोई भी कर सकता है ये तो, कोई भी कर सकता है, ये तो दिक्कत है। LHB में लॉक है, इसमें लॉक नहीं, कोई दिक्कत फिक्र तो सब छोड़ दो, इंजन रेलवे इतना दिन से चल रहा है तुम अभी सोच रहे क्या, ठीक है कोई नहीं करेगा वैसा, उतना हिम्मत जल्दी नहीं करता, कभी कभी ऐसा स्टेबल है आदमी लोग ऐसे करके बदमाश लोग करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। सो GDR में पॉइंट्स CBC एंगल कॉक एयर होल्स 3 पॉइंट्स, एंगल कॉक ओपन कंडीशन, CBC प्रॉपर्ली कपल्ड, एयर होल्स प्रॉपर्ली कपल्ड, 3 पॉइंट्स आर हियर, 10 पॉइंट्स एक्चुअली है GDR के, ठीक है। और मैक्सिमम देखना जब तब मिलेगा CBC एंगल कॉक एयर होल्स 3। सर एंगल कॉक को क्लोज कैसे करेंगे? वो तो देखो ना, यहां देखो ऐसा है, लाया इधर घुमाया तो हो जाएगा, जस्ट नल टाइप का, ओके बॉल बॉल भी दे अभी लग जाएगा, आराम लग जाएगा, जैसे एक्सल बॉक्स सर, हॉट एक्सल, एक्सल बॉक्स, एक्सल बॉक्स, एक्सल ब्लॉक, एक्सल बॉक्स, एक्सल बॉक्स, बट अंदर में बेयरिंग है तो एक्सल, यू नो ना एक्सल, एक्सल का दिस पार्ट ऑन विच द बियरिंग इज फिटेड दैट इज कॉल्ड जर्नल, जर्नल ऐसा है, इसके ऊपर बियरिंग ऐसा लगाया, देन कैप, ओके थ्री स्टड्स, इसको टाइट करते हैं, टाइट वाइट करिए, लॉकिंग प्लेट इज देयर, व्हेन बोथ आर मूविंग द जर्नल इज मूविंग एंड बियरिंग इज ऑल्सो मूविंग देन इट्स ओके, बट व्हेन बियरिंग इज सीज्ड बियरिंग इज नॉट मूविंग, बियरिंग जाम जाम हो गया और ये लेकिन घूमेगा ही जिंदगी में, ये रुकने वाला नहीं है, तो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन it becomes hot. Rubbing of journal. That is hot axle or hot box. I will tell you later. ठीक है? ये ठीक है, उसके बाद में क्या है, आपको ये adapter है, ये pad है, ये bogie का model Kastner. Wagon's bogie model is Kastner. CSNUB. ठीक है? Now you see the brake block. Brake block दिखाओ कौन सा है? जो चक्का को पकड़ रहा है, the gripping. ब्रेक ब्लॉक लगे, ब्रेक शू में ब्रेक ब्लॉक फिट होता है, ठीक है। चलो अंदर नहीं घुसता, यहीं से फटाफट मारेंगे, इसको सीधा करेगा, ऊपर से लेकर फटाक से निकाल लेगा, वो करने वाले जरूरत पड़ा निकाल सकता क्या? ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक पैड ब्लॉक,
देखो ये ब्रेक ब्लॉक चक्का सटा है ना, मैंने जो जस्ट चक्का को डायरेक्ट पकड़ता वो ब्लॉक है। हाँ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक रबर का है ना ये वाला, और ये ब्रेक शू है। अच्छा मतलब ब्रेक शू का ब्रेक में ब्लॉक ब्रेक पैड भी बोल सकते हैं, ब्रेक ब्लॉक भी बोल पैड बोलना ही मत, ब्लॉक ही इसका नाम है, ब्रेक ब्लॉक ही नाम है। ब्रेक ब्लॉक का नोमेनक्लेचर इज ब्रेक ब्लॉक ब्लॉक ओके। और उसके पीछे क्या, ब्रेक शू, ब्रेक ओके। ब्रेक पैड्स किसमें है मालूम, एलएचबी कोच में वो ऐसा पकड़, अच्छा वो ब्रेक इसीलिए डिफरेंस अलग, इसीलिए डिफरेंस ना देखो ब्रेक 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 सब सब बोले हम सिस्टमेटिकली सीरियली बोल देंगे। अभी वहां तीन हुआ था ना, यस हां हां, आ जाओ भाई वहां पर तीन तीन हुआ था। हां सीबीसी एंगल कॉक एंड एरोस, दिस इज फोर नंबर फोर, हैंड ब्रेक शुड बी इन रिलीज्ड कंडीशन, सी ऑफ एंड ऑन, ऑन मींस अप्लाइड, इट इज व्हाई इट इज प्रोवाइडेड टू स्टेबल द लोड, टू स्टॉप फ्रॉम रोलिंग डाउन, रोल डाउन होने से बचाने के लिए। अभी मान लो ऐसा है तो क्या होगा, इंजन कार में चला गया मान लो कोई भी कारण से नीचे में डाउन ग्रेडियंट है, उधर सपोज डाउन ग्रेडियंट है तो लुढ़क जाए, तो इसको आपको सिक्योरिंग ऑफ देना 6.03 या 6.04 में है बताएगा सिक्योरिंग ऑफ लोड। सब बंद है तो अभी ऑफ और ऑन लिखा हुआ है, सपोज ये मिड भी जा सकता अभी मिड जाएगा अभी जाने से कैसा होगा, सिंपल रोटेट देखो कभी देखो ये ऑफ है ये ऑन है ना, ऑफ माने रिलीज कंडीशन, ऑन माने अप्लाइड कंडीशन। देखो ये वाला इसका देखा सही बात बोला सामने वाला बोगी, बोगी का सामने जो है उस साइड घुमाने से ये ऑफ ऑफ माने रिलीज होगा, दूर वाला का साइड में घुमाने से ऑन ऑन। फिर से बताइए सर, फिर से बॉगी का सामने देखो ये डिस्टेंस या ये जो चक्का है सामने है ना इससे इसका तरफ घुमाएंगे तो रिलीज होगा। अच्छा वो रिलीज होगा ये ब्रेक रिलीज इसको जो ब्रेक रिलीज करने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा, मतलब उसको क्यों घुमाएंगे, क्या कुरान है ना किधर घुमाने से ब्रेक लगेगा किधर घुमाने से रिलीज होगा वो वाला, तो दूर का साइड घुमाने से ऑन होगा लगेगा ब्रेक लगेगा सिंपल, और करीब का समय रहने से रिलीज है ना, ये फंडा याद रखो खाली सर टुवर्ड्स इंजन इफ इट इज लाइक दिस, नो इंजन इंजन नहीं जस्ट सामने नियर वन, सी दिस वन इज बोगी नियर वन, हां दैट इज दैट यू सी ओके सर, तो दिस इज नियरेस्ट ना, हम यस सर दैट इज फॉर हां फॉर हां या सो दैट मींस व्हेन यू हैव टू रोटेट व्हेन यू आर रोटेटिंग दैट साइड देन इट विल बी अप्लाई अप्लाई हां ओके बोथ द बोगीज लगा सर इसको क्या है और इसको बोलो सर इसको क्या है कनेक्शन है अंदर से जाके इसके साथ में देखो इसी देखा ये पिस्टन निकलेगा बाहर, ये पिस्टन बाहर निकलेगा हाँ पिस्टन बाहर निकलना है फॉर ब्रेक एप्लीकेशन पिस्टन बाहर निकलेगा ठीक है ऐसा है। अभी इसके बाद में अच्छा अभी तुम लोग देख लो इसके पीछे में एक तो नट है बेंट है देख लिया हाँ हाँ प्रेशर रिलीज करना अच्छा दैट इज एस ए बी वो वाला हाँ स्लैक एडजस्टर बैरल मतलब देखो उसका काम क्या है देखो इधर आ जाओ देखो दिखाई नहीं दे रहा तुम उधर से सामने आओ उधर जगह है बहुत उस जगह बहुत है दिखा पत्थर मार के दिखाओ उसको एस ए बी कौन सा है ये हाँ कितना सामने देखो कौन सा वाला सर मोटा वाला अरे मोटा बैरल जो है ये वाला हां वो वाला अभी देखो ब्रेक कैसा लगता जब डीवी से प्रेशर ड्रॉप होगा ये बीपी में प्रेशर ड्रॉप होगा तो पिस्टन निकलेगा बाहर दिस इज पिस्टन है ना ये ऐसे जाएगा तो वो पीछे आएगा देखो ये सामने गया वो ऐसे भी घूमते हुए रोटेट होते हुए पीछे आएगा तो पीछे आएगा तो क्या होगा सी अच्छा वो फ्लोटिंग ऊपर जाएगा तो नीचे से पुश करेगा अच्छा हाँ क्या बोलो अरे छोड़ने वाला है अच्छा ठीक है देखो सुनो अरे बाहर ही है ना बाहर रहना ठीक है वो नीचे पुश करेगा तो ब्रेक लग जाएगा
ये इधर से जब निकलेगा वो उधर से अंदर घुसेगा बस उधर हम ड्राइंग बना के बता देंगे खाली तुम लोग अभी देख लो लोकेशन देख लो ड्राइंग बना के और अच्छा से बता ठीक है ना अभी देखो वहां पर 3 था सीबीसी ये 4 नंबर 5 दिस इज क्या एम्प्टी लोड हैंडल यू सी इधर आ जाओ एम्प्टी जल्दी देखो टाइम पूरा सेंटर एम्प्टी लोडेड लिखा हुआ है है ना तो दिस इज गिवन टू एडजस्ट द लीवरेज रेशियो ऑफ ब्रेकिंग फोर्स मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा चाहिए अंदर में लीवर्स एडजस्ट करते हैं यस सर हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो एमटी में अगर है तो पिस्टन स्ट्रोक कम चाहिए पिस्टन जो निकलेगा कम निकलने से भी ब्रेक लगेगा बट मोमेंटम ज्यादा है लोडेड है ज्यादा चाहिए है ना तो सपोज इस एमटी में है और आपने लोड का तरफ कर दिया तो ज्यादा मारेगा तो स्टक हो जाता है समटाइम्स तो ब्रेक रिलीज नहीं होता ब्रेक बाइंडिंग और वही अगर लोड है आपने एमटी के साइड किया ऐसा लगेगा तो ब्रेक नहीं लगेगा तो पुअर ब्रेक पावर दिस इज दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडेड इट शुड बी इन प्रॉपर पोजीशन सही साइड में रहना चाहिए तो ये एम्प्टी रहेगा सर वो क्या है नहीं है कौन क्या कर दिया छोड़ दो है ना लेकिन ये उसी के लिए है अभी देखो एम्प्टी लिखा हुआ है एम्प्टी साइड ही और एम्प्टी साइड में येलो कलर कलर पेंट है लेकिन ये तो भरा हुआ है पता नहीं है वो जो भी सुनो कोई भी ठीक से किया नहीं होगा हम लोगों को करना है ना मैनुअल ऑपरेशन देखो ये येलो कलर हाफ येलो ब्लैक तो ब्लैक में लोडेड टाइप का कलर कलर येलो एम्प्टी चलो अभी देखो सर अच्छा ब्रेकिंग के लिए जो होते हैं एम्प्टी लोडिंग हैंडल अच्छा ब्रेकिंग प्रॉपर ब्रेकिंग तो सर इसको सेट करने से ड्राइवर को कैसे पता चलेगा बता दो सब पता चलेगा सब क्लास में क्वेश्चन करना तुम खाली अभी लोकेशंस देख लो अच्छा से ठीक है हैंड ब्रेक हो गया 4 ये 5 2 6 सर इसको क्या बोलेंगे सर 2 6 एम्प्टी लोड हैंडल ये लोड हैंडल ये हैंडल हैंड ब्रेक हो गया ना सब हो गया डोर हो गया 6 हो गया एक नंबर में डोर दिस इज नहीं नहीं हाँ मैनुअली ये मैनुअली तो इसको इट शुड बी प्रॉपरली क्लोज यू हैव टू सी है ना सील्ड है ओपन अभी देखो डोर हो गया सबका अलग अलग मॉडल का डोर है बट जीडीआर का पॉइंट में डोर भी है तो ये 7 हो गया 6 हुआ एक्चुअली एक नंबर में क्या है ना रेक इंटीग्रिटी चेकिंग है ना वैगन से तो 7 हो गया नंबर 8 में हैंगिंग पार्ट्स कोई भी एनी हैंगिंग कोई भी लटकता हुआ नहीं रहना चाहिए हाँ बोलो दैट इज डमी कैरियर उसको बोलते हैं डमी कैरियर वो जो पाइप लास्ट वाला का पाइप पाइप झूलता है ना पाइप को उसमें फंसाने के लिए जब झूलेगा हाँ पाइप को लगा तो हैंडल पाइप से यस तो हैंडल कॉक के पास वाला जो हाँ रुको उसके बाद में क्या है हैंडल ये आपको आने से कितना हुआ 8 हो गया एक तो रेक इंटीग्रिटी ये 6 7 हो गया हैंगिंग पार्ट्स 8 हुआ एयर प्रेशर एपीसी एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट नंबर 9 ब्रेक पावर टेस्ट नंबर 10 अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा अभी देखो एक चीज मान लो ब्रेक ब्लॉक पकड़ा हुआ हाँ सपोज पकड़ा हुआ और स्टिल इंजन पुल करते रहेगा तो क्या होगा व्हाट विल हैपन स्किडिंग स्किडिंग होगा स्किडिंग होगा तो फ्लैट फ्लैट ठीक है हाँ फ्लैट सर कौन सा सर चक्का हाँ वो मान लो ब्रेक पकड़ा हुआ फिर भी अगर इंजन खींच रहा तो क्या होगा फ्लैट व्हील स्किडिंग हाँ नहीं घूमेगा तो स्किडिंग होगा नीचे तो फ्लैट हो जाएगा दैट इज फ्लैट टायर और फ्लैट व्हील उसका परमिसेबल लिमिट वो सब हम क्लास में बता दें ठीक है अभी हाँ बोलो ब्रेक ब्रेक इज द पिस्टन यू आर टेलिंग दैट आउट दैट साइड आल्सो वन मोर इज देयर दैट फॉर टू व्हील्स वन इज फॉर वन व्हील एंड अनदर पाइप इज फॉर द अदर व्हील पिस्टन दिस साइड वन 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 पाइप इज देयर व्हिच पाइप ब्रेक वन इज देयर सिलेंडर दिस इज ऑल फुल फॉर टोटल वैगन दिस इज ओनली फॉर टोटल वैगन यस वन साइड लॉन्ग पुल रॉड वन साइड शॉर्ट पुल रॉड अभी इसके बाद आप क्या आपको हाँ हॉट एक्सल सिम्टम यू कैन सी ये ओनली ना इन एक्सल ब्लॉक ऑल द स्मोक द ग्रीस ओजिंग ऑल विसलिंग साउंड एंड ऑल ऑल द सिम्टम्स यू विल गेट हियर ऑन यहाँ पर एक्सल बॉक्स में ही आपको सभी सिम्टम्स दिखाई देगा जो बियरिंग जाम हो जाने से जो बोला हमने वहाँ सब हाँ लाल हो जाएगा धुआं निकलेगा गंध मारेगा ये सब येलो कलर ना ये तो पेंट और ग्रीस भी लीकेज होगा सर पहला इंजन का साइड वाला को बंद करेगा उसके बाद में
इसको ऐसे उठा देगा एक साइड फ्री हो रही है अपने यहाँ चल जाए बस मैं तो यहाँ रहता नहीं गाड़ी ना और आगे जाने दो मेरे को बच्चा को डिवाइड करने से देखो तुम लोग और थोड़ा आगे जाओ और आगे बढ़ो उधर से आ जाओ देखो देखो छोड़ो मत क्या देखो ये इसको डालो ठीक है ये ब्रेक प्रेशर रिलीज करना हां मैनुअल रिलीज अच्छा मैनुअल रिलीज सपोज ऑटोमेटिक रिलीज नहीं हुआ सी दिस इज डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है तुम सामने वो इसको इसको दे दो इसको दे दो हां ले जा अरे श्रीकांत भाई श्रीकांत बनाते रहिए देखो ये डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है यहाँ से थ्री पाइप कॉमन पाइप ब्रैकेट इज ये तीन पाइप निकलेगा अंदर चलाया वो अंदर गया तो फिर ये सामने जाए दैट इज एस ए बी पुल रॉड एकदम लंबा है ना लंबा वाला उसको एस ए बी पुल रॉड बोलते हैं अच्छा हाँ अरे पिस्टन बाहर निकला ये बैक आएगा ऐसे भी रोटेट होते हुए उसको ऐसे खींचेगा ऐसा देखो ये ऐसा फ्लोटिंग लीवर है ना ऊपर वाला और नीचे पुश रॉड है तो ये ऐसे आएगा तभी ना इसको नीचे ठेलेगा और इधर बैक साइड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला काम करेगा ये वाला इधर का भी काम पकड़ लेगा अच्छा एसीबी ब्रेक के लिए वो एक्सेल है वो हाँ। दूर का जो ये है उसके लिए लॉन्ग एसी के लिए ठीक है अभी अच्छा। देखो जब अच्छा इसका पीछे वन कंट्रोल रिजर्वायर सीआर ये हंडी जो है अच्छा रिजर्वायर सीआर कंट्रोल रिजर्वायर ओके ये रेफरेंशियल प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर में अच्छा अभी नाउ अभी मान लो तुम लोगों को ब्रेक बाइंडिंग हो गया जो ऑटोमेटिक इट शुड बी रिलीज्ड बट नॉट रिलीज्ड ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉब्लम हैवी लीकेज है हैंड ब्रेक इज रोटेटेड है ना हैंड ब्रेक घुमा दिया एम्प्टी